हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम। आज मैं आपके लिए जो हमारा इंडियन एयरफोर्स एक सॉइल ग्रुप का एग्जाम हुआ है उसका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और हमारे ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड में क्या फर्क होता है, कब ग्रीन कार्ड मिलता है कब रेड कार्ड मिलता है, उसके संबंधित एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए देखिए ओरिजिनली व्यू है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो की। आज की वीडियो में आपको बताने जो हमारा इंडियन एयरफोर्स सॉइल ग्रुप का एग्जाम होता है उसका मेडिकल टेस्ट में कब ग्रीन कार्ड मिलता है और कब रेड कार्ड मिलता है, दोनों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल टेस्ट होता है इनिशियली वहाँ पर सेंटर पर जब हमारा चेक होता है तो वहाँ पर हमें अगर हमारे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है या हमारी कोई पॉइंट पकड़ा जाता है कि मेडिकल में कि आपको ईयर में प्रॉब्लम है या डीएनएस आपको दिया जाता है या कई तरीके से आपको दिए जाते हैं, 6-7 पॉइंट जो मेन होते हैं ज़्यादातर सेंटर में निकाले जाते हैं वो हाथों में जो एंगल होता है किप्टस वल्गस हो गया, जो टांगों में हमारी प्रॉब्लम होती है जो हमारी गाठियाँ जुड़ती हैं उसे कहते हैं नॉकनी प्रॉब्लम कहते हैं, फ्लैट फुट हो गया हमारा, हाइपर हाइड्रोसिस जो पसीने वाला होता है और काफ़ी कुछ चीज़ें जो ईयर वगैरह में निकलती है या आँखों में निकलती है हमारी ENT की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इन सभी पॉइंट्स में आपको मेडिकल दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी मेडिकल देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी सरकारी अस्पताल पर या कहीं अपने जो परिचित का डॉक्टर हो उससे अपना मेडिकल करवा के जाए जिससे आपको रीमेडिकल ना मिले, क्योंकि जब हमारा मेडिकल सेंटर में पहली बार चेक होता है तो वहाँ पर हमारा मेडिकल अच्छे से नहीं होता, वहाँ पर केवल लाइटली चीज़ें देखी जाती है। अगर आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ में आ गई तो आपको रीमेडिकल देते हैं वरना आपको फिट कर देते हैं, लेकिन जब आपको रीमेडिकल में भेजा जाता है तो उसमें चीज़ें हमारे स्पेशलिस्ट चेक करता है क्योंकि आपको उसी स्पेशलिस्ट के लिए रेफ़र किया जाता है कि वो आपका देख सके। देखिए ये एग्जाम हुआ था ग्रुप एक्स का, एक बच्चे ने मुझे भेजा था अपना ग्रीन रेड कार्ड तो और उसको बाद में मेडिकल फिट कर दिया गया था तो मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको मेडिकल अपना करवा के जाना है सेंटर पर और जिससे कि आपकी कोई प्रॉब्लम पकड़ में, अगर आपके हाथ में एंगल है, नॉकनी प्रॉब्लम है या बैक में वो हमारी रीढ़ की हड्डी देखते हैं कुछ उसमें देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर आपको हैं तो उसको चेकअप करा के जाएँ। और उसकी कोई अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ सेंटर तो हमारे 2 महीने बाद लगभग मेडिकल होगा तो उसके लिए आप फ्री में करा लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आप करा के जाएंगे तो आपको कोई पॉइंट पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि जब आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो रीमेडिकल में लगभग 50% बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि जब उनकी चीज़ स्पेशलिस्ट चेक करता है, कभी कभी किसी को गलती से दे दी जाती है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, जब किसी को गलती से नहीं दिया जब स्पेशलिस्ट चेक करता है तो आपको परमानेंट अनफिट कर सकता है वो, तो इसके लिए आपको पहले प्री मेडिकल करा जाना। अगर आपको पहले सेंटर पर जब हमारा मेडिकल होता है और आपको फिट नहीं किया गया तो आपको ये रेड कार्ड दिया जाता है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसे ये रेड कार्ड है हमारा और उसके बाद अगर आपका मेडिकल फिट हो जाता है सेंटर पर तो आपको वहीं से ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। ये देखिए ग्रीन कार्ड भी है, लेकिन अगर आपको सेंटर में रीमेडिकल दिया गया है और आपको रीमेडिकल फिट हो जाता है तो सेंटर में पहले आपको रेड कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद अगर आपका मेडिकल फिट हो जाता है तो वहीं से आपके लिए ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो का पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कैसे मेडिकल को क्लियर करें क्योंकि कुछ चीज़ें होती है अगर आपने वो वहाँ पे कर ली तो आपको मेडिकल परमानेंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।